वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम कुछ जो भी हमारा इतना सारा कन्वर्सेशन हुआ है, डिस्कशन हुआ है, उसको कुछ दो तीन वर्ड्स में आप उसे बता सकते हैं कि हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करनी चाहिए आईटी एग्जाम के लिए, कैसे क्रैक कर सकते हैं, आप कुछ दो ही तीन लाइन में बता दीजिए। हाँ हाँ ज़रूर। तो सबसे पहले तो आपने भी कोचिंग ली, उसके बाद आप कोचिंग को लगातार फॉलो करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे। नंबर तीन, उसके बाद अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है उसको रिवाइज करने के तुरंत बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे। आपसे पहली बार में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप स्टार मार्क कर दीजिए, अगली बार में वो क्वेश्चन दिखेगा, दूसरी बार में नहीं हो रहे हैं तो उसको फिर स्टार मार्क कीजिए। जो क्वेश्चन आपके टफ वाले बचेंगे वो लास्ट में बचेंगे, जिससे आपका टाइम भी सेव हो सकेगा। मान लीजिए पहली बार आपने जुलाई में लगाया क्वेश्चन और आपसे आपको 100 क्वेश्चन आपकी किताब में हैं और आपसे 70 क्वेश्चन लग गए, तो आपके 70 जो लग गए वो आपसे एग्जाम में भी लग जाएंगे क्योंकि आपने पहली बार में क्वेश्चन हल कर दिए हैं। तो बाकी बचे 30 को आप स्टार मार्क करेंगे। अगली बार मान लीजिए उसी चैप्टर का के सवाल में आपने सितंबर में लगाए, तो सितंबर में मान लीजिए 30 में से 20 आपके हो गए, 10 बच गए, तो जो आपके 10 होंगे टफ ये मान लीजिए आपके दिसंबर के लिए हो गए, तो आपका दिसंबर तक आते आते उस चैप्टर के आप जीनियस बन जाएंगे, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका टाइम भी सेव होगा। और ऐसे करते करते ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर इनको आप आगे बढ़ाएंगे तो आप ज़रूर ही सफलता हासिल करेंगे। और टेस्ट सीरीज लेना ना भूलें, टेस्ट ज़रूर दें। मेरे अकॉर्डिंग तो इन्होंने जितना हमारे लिए डिस्कशन हुआ है उनके बीच मुझे ये लगता है कि आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करनी चाहिए, देन आपको उसको फॉलो करना चाहिए और किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी उसकी सक्सेस होती है तो आपको उस फील्ड में कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली हो और हमारे कृति एमएसटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हमारे सचिन सरकार चैनल है। थैंक यू सो मच।